तो दोस्तों आपको 25 से 30 हजार के बीच में एक अच्छा फोन चाहिए। जी हाँ, तो हम है ना ये वीडियोस इसी के लिए करते हैं। वैसे अगर आपको 20 से 25 हजार के बीच में चाहिए तो अंडर 25 का भी वीडियो किया है, अंडर 20 का भी किया हुआ है, आई कार्ड में मैं दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। बट आई टेल यू व्हाट, एक ट्रेंड मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो फोन्स 4-5 महीने पहले 30,000 के ऊपर 35,000 की रेंज में थे वो अब 30,000 के नीचे आ गए। इनफैक्ट द न्यू 15 to 20,000 इज 25 to 30,000, मतलब जो 15-20,000 के फोन पहले लोग लेते थे अब 25 से 30,000 में लेने लग गए। इनफैक्ट हमारे वीडियो से भी ये साबित होता है कि हमारे जो 20 and 25,000 के जो वीडियो होते हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, पहले 10 और 15,000 के बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। सो द ट्रेंड इज चेंजिंग, लोग ज्यादा महंगे फोन ले रहे हैं और आपको ज्यादा चीजें भी मिल रही है। आपको पता चल जाएगा, 5 फोन बताने वाला हूं आपको 30,000 के नीचे। और दोस्तों जब हम ये वीडियो करते हैं ना, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस एंड वी टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। इसीलिए सभी चीजों के पास, सभी पहलुओं के पास हम देखते हैं फोन के और फिर उनकी रैंकिंग करते हैं और फिर बताते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों अंडर 30,000 के लिए हमारे फिक्स बेंचमार्क्स हैं, उसके नीचे फोन के स्पेसिफिकेशंस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फास्ट रिफ्रेश रेट कम से कम 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज इज यू नो अच्छा होगा, लेकिन 90 हर्ट्ज कम से कम होना चाहिए। परफॉर्मेंस में कम से कम डायमेंसिटी 8200 या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 870 वगैरह प्रोसेसर होना चाहिए, जिनका जनरली अंतुदु स्कोर जो होता है वो 800,000 के ऊपर होता है। सो यू कैन एक्चुअली डू प्रॉपर गेमिंग ऑन दिस फोन। और हां, कम से कम 6GB रैम तो होनी चाहिए, 8GB इज प्रेफरेबल, लेकिन कम से कम 6GB होनी चाहिए। किसी किसी का कैमरा ज्यादा अच्छा होता है, किसी का परफॉर्मेंस होता है, सो वी बैलेंस दैट आउट, लेकिन ये मिनिमम बेंचमार्क है। तो मैं 5 की जगह पे 6 फोन बताने वाला हूं। 6ठा जो फोन है वो प्योरली कैमरा के लिए है, मतलब अगर कैमरा आपको चाहिए तो मैं कहूंगा Pixel 6a ले लीजिए, वो आपको विद ऑफर्स 28,000 में मिल जाता है। बाकी उसके स्पेसिफिकेशन जो है ठीक ठाक है, बट कैमरा इज एब्सोल्युटली ग्रेट, आफ्टर ऑल पिक्सेल फोन है दोस्तों, तो वो 6ठे नंबर पे आता है। और याद रखिए, अगर पिक्सेल 6 से 6ठे नंबर पे आ रहा है तो पहले 5 फोन्स कैसे होंगे। ऑलराइट, 5वें नंबर पे आता है दोस्तों रियलमी GT नियो 3T। वैसे इसका एक कजिन भी है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। इसमें एमोलेड स्क्रीन आती है, बड़ी स्क्रीन, 120 हर्ट्ज है, 6 128 वेरिएंट है, 5G, हां सभी फोन्स में 5G भी होना चाहिए, दैट इज आल्सो अ क्राइटेरिया। 5000 mAh की बैटरी है, 80W चार्जिंग है, रियलमी UI 3.0 आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, पीछे की तरफ 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड 29999 प्राइस है। अगर सभी चीजों के पास देखते हो डेफिनेटली दिस इज अ गुड वन। लेकिन अगर आपको OnePlus का फोन चाहिए दोस्तों, देन यू कैन ऑल्सो लुक एट OnePlus Nord 2T, जिसमें डायमेंसिटी 1300 आता है, परफॉर्मेंस स्लाइटली कम है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट भी है। तो OnePlus का फोन चाहिए, थोड़ा कॉम्पैक्ट चाहिए, तो OnePlus Nord 2T के पास भी देख सकते हो, इट इज स्टिल अ गुड फोन अंडर 30,000। 4वें नंबर पे आता है दोस्तों IQ9SE। IQ9 सीरीज में प्रो लॉन्च हुआ था, IQ9 हुआ था एंड IQ9SE हुआ था लॉन्च, जिसमें 888 प्रोसेसर आता है, Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, सो दैट इज रियली गुड। एमोलेड स्क्रीन, 120 हर्ट्ज, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, एंड्रॉइड 12 है, 66W का चार्जिंग है, इसमें 48MP का OIS कैमरा मिलता है। तो वीडियोग्राफी वगैरह बहुत करते हो एंड स्टेबल फुटेज चाहिए तो डेफिनेटली आप इसके पास देख सकते हो। एंड प्राइस इसकी 30999 है, बट ऑफर्स के साथ आपको डेफिनेटली 30,000 के नीचे मिल जाता है। सभी चीजों के पास देखते हो डेफिनेटली एट नंबर 4। टॉप 3 फोन्स बताने से पहले एक सजेशन है आपको दोस्तों, अगर फोन थोड़ा पुराना है, 6 महीने 8 महीने पहले भी लॉन्च हुआ है, डोंट वरी, अगर अच्छे प्राइस में मिल रहा है देन यू आर गेटिंग अ वैल्यू फॉर मनी फोन, तो उस हिसाब से जरूर देखिए। ऐसा नहीं है कि नया लॉन्च हो गया तो आपको लेना है वो, जी हाँ, 6 महीने 8 महीने पहले अगर अच्छे ऑफर्स में अच्छे प्राइस में मिल रहा है उनके पास देखिए, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू विल गेट मोर फोन फॉर द बक। तो 3rd नंबर पे अब मल्टीमीडिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 3rd नंबर पे Poco F4 आता है, जो मैं कहूंगा इन फोन्स में से मल्टीमीडिया चैंपियन है। 6.67 इंच एमोलेड स्क्रीन, 120 हर्ट्ज, वो सब है, Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर आता है, 12 5G बैंड्स है दोस्तों, 6 128 का बेस वेरिएंट आता है, MIUI 13 आता है, आउट ऑफ द बॉक्स 67W चार्जिंग है, 64+8+2 ऐसे ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड 20 MP का फ्रंट कैमरा आता है। और इसकी जो प्राइस है, बेसिकली मैं क्यों मल्टीमीडिया चैंपियन कह रहा हूं, क्योंकि 25999 में, मतलब 25-26 हजार में आपको ये फोन मिल रहा है, उसके लिए ये डेफिनेटली नंबर 3 पे, और इसका डिस्प्ले अच्छा है, सो डेफिनेटली यू कैन लुक एट दैट। और हाँ, मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, और इसलिए मैंने इसे मल्टीमीडिया चैंपियन का। यू नो, ये जो 2nd नंबर का फोन है ना दोस्तों, वो शायद नंबर 1 पे भी हो सकता है, बट आई टेल यू व्हाट, जब ये लॉन्च हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ा महंगा है, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसका जो वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन है वो बढ़ता गया। जी हाँ, नथिंग फोन 1, इट इज अ एब्सोल्युटली ग्रेट डील। अब आपको ऑफर्स के साथ ये 26, 27, 28 हजार इस प्राइस रेंज में मिलता है एंड इट ऑफर्स यू लॉट। एक तो दोस्तों ये स्टैंड आउट, उसका जो ग्लिफ इंटरफेस है इट स्टैंड्स आउट डेफिनेटली, लुक में अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, सो यू नो डेफिनेटली एक स्टैंड आउट फोन है। और अब आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है 778, जी हाँ, मैंने कहा था कि 870 कम से कम होना चाहिए, बट बाकी सब चीजों के पास आप देखोगे तो आई विल गो फॉर 778 जी। बहुत सारे लोगों को परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनफैक्ट मैं कहूंगा 80% लोग जो गेमिंग ज्यादा नहीं करते
हैं, दे आर ओके विद 778G क्योंकि सब उसके ऊपर हो सकता है, दैट इज अ केपेबल प्रोसेसर। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, 5000mAh की बैटरी, 33W चार्जिंग है, नथिंग OS, विच इज अ वेरी क्लीन UI, तो आपको एक क्लीन UI एक्सपीरियंस चाहिए डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में, नथिंग फोन 1 इज अ वेरी वेरी गुड डील। कैमरा सेटअप जो है बहुत अच्छा, 50+50 हैंकी पैंकी नहीं है, 2 MP वगैरह, दोस्तों 50+50 MP रेयर कैमरा सेटअप है, आगे 16 MP का आता है, एंड दैट कैमरा इज इंप्रूव्ड ओवर द टाइम, अपडेट्स वगैरह मिल रहे हैं। इवन तो नथिंग जो है ये एक नई कंपनी है, तो आप सोचोगे कि यार कैसे ले, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सही में इंप्रूव हुआ है 778G होने की वजह से, आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नथिंग फोन 1 इज डेफिनेटली एट नंबर 2। अब दोस्तों परफॉर्मेंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल फोन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा जो नंबर 1 पे है जबरदस्त है, डायमेंसिटी 8200 आता है इसके अंदर, 120W चार्जिंग है इसके अंदर, बड़ी 120Hz की एमोलेड 6.78 इंच की स्क्रीन है, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। या नंबर 1 पे आता है आईकू नियो 7SE, अभी अभी दोस्तों लॉन्च हुआ है और मेरे हिसाब से डेफिनेटली दिस इज गुड। हाँ एक चीज है इसके अंदर, कैमरा जो है दैट इज नॉट टॉप नॉच, बट अदर देन दैट ये फोन 8200 प्रोसेसर है दोस्तों, विच इज रियली रियली गुड, मतलब 8.5 लाख स्कोर आता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा आता है, परफॉर्मेंस डेफिनेटली ये चैंपियन है। आई विल टेल यू, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट फॉर इफ यू लुकिंग एट परफॉर्मेंस फोन। वैसे जो भी फोन्स मैंने बताए हुए सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जरूर जाके देखिएगा। दोस्तों हमने तो हमारा काम कर दिया, आपको आपका काम करना है, नीचे कमेंट्स में बताना है कि डू यू अग्री विद दिस लिस्ट, ये जो रैंकिंग की हुई है हमने, क्या वो आप अग्री करते हो, ये मेरी रैंकिंग है, आपकी अगर अलग है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।